आपको पता ही नहीं क्रिकेट का, आप सवाल पूछ रहे हैं लेकिन आपको क्रिकेट का पता नहीं। ऊपर से क्या होता है, आईसीसी जो है ना मिला हुआ है इंडिया के साथ, वो मिला इंडिया के बोर्ड के साथ ना, वो मिला हुआ है, आपको नहीं पता। वो उतनी सतह इंडिया बाहर हो तो होगी, मतलब पाकिस्तान खुश होते हैं जब इंडिया हारती है, जाहिर सी बात। रोहित शर्मा, यू नेल्ड इट, बहुत ही अच्छा डिसीजन साबित हुआ सौरभ गांगुली साहब का। और ये उन्होंने कहा भी था एक बार कि ही वाज नॉट कीन टू एक्सेप्ट हिज कैप्टनसी, लेकिन यू नेल्ड इट जनाब। व्हाट अ बिगेस्ट विक्ट्री फॉर टीम इंडिया, यानी कि बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी, हर हर बॉक्सेस टिक। और आगे आने वाले जितने भी अब टूर्नामेंट्स हैं या जितनी भी लीग्स होंगी, दे आर गोइंग टू गिव अ बिग टाइम, बिग बिग टाइम। व्हाट इज योर टेक? क्योंकि देखिए आज हमने ना सिर्फ आज की मैच की बात नहीं करनी, टूर्नामेंट में जिस तरीके से इनकी कागदगी रही है, जो पार्टनरशिप्स रही हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने फील्डिंग की है, दैट वॉज स्पॉट ऑन। जा रहा है न्यूजीलैंड का और इंडिया का मैच, मैं बहुत कन्विंस हूँ, ये नेचर अल्लाह का निजाम है, अच्छी टीम को जीतना चाहिए हमें, ये नहीं कह रहे कि इंडिया, yes. मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड ने हरा देना इंडिया को, लॉ ऑफ एवरेज। सो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज इंडिया का है, अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं, अगर नया बॉल स्विंग नहीं होता और नया बॉल अगर झेल जाएंगे तो किसी ना किसी मौके के ऊपर लगता है कि ये फंस जाएंगे। अगर हम बात करें इस वर्ल्ड कप की, तो इनका हाईएस्ट स्कोर था, लेकिन टीम इंडिया ने आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच, छह रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से टूर्नामेंट का आगाज हुआ था तो हम ये सोच रहे थे, आपस में गुफ्तगु भी करते थे कि इस टीम को कौन बीट करेगा, लेकिन आप देखिए ना, आज आखिरी मैच था। अगर हम बात करें ग्रुप मैचेस की स्टेज की, तो वो भी इंडिया ने अपने नाम कर लिया, यानी कहीं किसी को मौका नहीं दिया, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में, ना कैप्टेंसी में। प्रेशर होगा न्यूजीलैंड पे, अच्छा। ये सेमीफाइनल में इंडिया मिल गया, अगर किसी और के साथ सेमीफाइनल होता शायद जीत जाते, फाइनल तक पहुंच जाते, लेकिन सेमीफाइनल में इंडिया, मतलब सेमीफाइनल में ही बाहर, मतलब यू नो आप, मतलब कॉमन सेंस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं ना करती कि वो 350 का टारगेट इंडिया में बुमराह के, सिराज के, शमी के, जडेजा के सामने वो लोग 350 का टारगेट मार रही है। आम मैं पहले दिन से, वेरी फर्स्ट डे से मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पर अपनी टीम को सपोर्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि वो मैं इंडिया को कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक तो फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली, मैं सपोर्ट करता हूँ, दिल से करता हूँ, और बाकी उन्होंने जो भी अपनी टीम में खिलाए हैं, बस सारे डिजर्विंग प्लेयर खिलाए हुए हैं, तो जो बाकी में परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये क्लियरली इंडिया ने मैच विन करना, मैच विन करके इंडिया ने, कि नोटों की बरसात भी पाकिस्तान टीम की फतह की प्यास ना बुझा सकी। ये नोटों की बरसात में बहुत सारे मामलात हैं, इनमें सबसे जो अहम मामला है कि उसमें ये लिखा गया है कि एक वन डे की फीस 6,44,620 रुपए, ये सब कुछ मिल रहा है, आईसीसी से मिल रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट से भी मिल रहा है, लेकिन ये खामखा वर्ल्ड कप पर जाने से पहले एक इशू बना दिया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। और शामी इतना ज्यादा वो मार का आ रहा था, शामी और बुमराह, वो वैसे एकदम से वो परफॉर्मेंस कैसे आई है भाई? उन्होंने उनकी बॉल नहीं स्विंग हो रही, नहीं बस इन लोगों की बॉल स्विंग हो रही है, बाकी 8-9 टीम वैसे ही है, इतनी बड़ी टीम है। हारिस रऊफ ने 533 रन खा लिया, वो भी इंडिया का कसूर है? नहीं, हारिस रऊफ ने अच्छी गेंद की है, लेकिन वो बॉल ही ऐसी दे रहे हैं, हारिस रऊफ जो है ना वो मार खा रहा है। लीग मैच दैट इज हैपनिंग, सेमी फाइनल एंड देन फाइनल, कोई भी जब इवेंट शुरू होता है, इंतजार आपको ये होता है कि कौन होंगी वो टॉप फोर और कौन होंगे आपके फाइनलिस्ट और फिर कौन बनेगा चैंपियन। सो यस, वो घड़ियां कुछ थोड़ी सी दिन की बात है, काफी करीब है, मगर इस वक्त इट इज इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड। वैसे डेंजरस टीम है, लेकिन इंडिया जो पैसा ना लगाए तो न्यूजीलैंड जीत जाएगी। इंडिया पैसा ना लगाया मतलब क्या है? इंडिया पैसे देकर जीती है ना, वैसे जीत कर दिखाया ना, पाकिस्तान से या ऑस्ट्रेलिया से वो जीत नहीं सकती, वो जीत ऐसे सकती है पैसा देकर जीत। यार वो उनकी परफॉर्मेंस है, कोई परफॉर्मेंस नहीं, वर्ल्ड कप से पहले उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, कोई परफॉर्मेंस नहीं। एशिया कप नहीं वो जीते हुए? एशिया कप में भी उसने जो ना धोखा किया, बाल में और विकेट में धोखा किया, वो पैसे देकर खेलते हैं पाकिस्तान को, क्या बाल में पाकिस्तान को सफर में मारते हैं, इधर कभी लेके जाते हैं, कभी इधर लेके जाते हैं, पाकिस्तान ने जीतना था वो जो एशिया कप है, कोशिश की गई कि किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाए और अपनी मर्जी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिए जाएं, अपनी मर्जी की शरायत ली जाएं, लेकिन वो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं हो सका। इंडिया तो अनबीटेबल है, वर्ल्ड कप के फाइनल में मेरा ख्याल है पहुंचेगी और बआसानी शिकस्त देगी। मैंने कल जो नेदरलैंड के साथ भी उनकी जो एक पूरे टूर्नामेंट की एक कंसिस्टेंसी थी और जो जिस तवाजुन के साथ वो खेल रहे थे, जिस इश्क के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने कहीं भी कुछ छोड़ा नहीं। कल नेदरलैंड के साथ भी उन्होंने, आप उन देखा था ग्राउंड में उनकी पोजीशन, आप किस तरीके से वो खेल रहे थे, ये भी बात करनी बड़ी जरूरी है। प्रेशर होगा न्यूजीलैंड पे,
कि सेमीफाइनल में ही इंडिया मिल गया। अगर किसी और के साथ सेमीफाइनल होता शायद जीत जाते, फाइनल तक पहुंच जाते, लेकिन सेमीफाइनल में इंडिया मतलब सेमीफाइनल में ही बाहर, मतलब न्यूजीलैंड की हरी हुई है यकीन जाने, जिस तरह से वो सेमीफाइनल में पहुंचे और उसके बाद अब डायरेक्ट इंडिया से मुकाबला तो मुश्किल है। दोस्तों हम बात करें जहां रिकॉर्ड्स की, तो अगर हम वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की बात करें, फोर्थ विकेट की तारीख की सबसे बड़ी आज हमने पार्टनरशिप देखी है बिटवीन श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल। जनाब 208 रन की ये पार्टनरशिप थी और श्रेयस अय्यर ने 128 रन ऑन बोर्ड किए सिर्फ 94 बॉल्स पे, केएल राहुल ने 102 64 पे। इतनी शानदार ये इनकी इनिंग थी। इसी वो तमाम लोग जो हमें भारत से देख रहे हैं, इट्स अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपकी टीम वाहिद टीम है जिसने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, कोचेस, मतलब आपके तो सारे के सारे बॉक्सेस टिक है। लेकिन आपकी टीम ने आज एक और रिकॉर्ड कायम किया है। विराट कोहली की बात हो रही थी, ही हैज बिकम द मोस्ट रन स्कोरर ऑफ दिस वर्ल्ड कप। जनाब We got to talk about the sensation of this World Cup. Yeah. Shami. Yeah. Not just the semi-final, but the whole World Cup. Yeah. Mohammad Shami has been absolutely spectacular. He became the first bowler in the history of the World Cup who's got four fivers in the World Cup games. Hamara ek bhi nahi hai, but that's a massive deal. He's got 50 wickets in only 17 games. Yeah. And what a performer he has been for India. 23 wickets in this World Cup, an age of 19, just over 19. और क्रूशियल मैचेस में, नॉकआउट्स में 7 विकेट्स टुडे, 1 2 3 4 ठीक है, बट 7 समथिंग दैट मेनी पीपल विल रिमेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। या यू गॉट टू इट, शुड बी फिनिश। यस सॉरी श्वेब, यस गो अहेड। वही वाली स्टोरी है कि एक थे बंदे, वो कहते थे मुझे रोज ओपन कराओ, क्लब के मैच में कराओ, नहीं कराते थे। एक दिन आ गया दूसरी तरफ से बड़ा तेज बॉलर, उनको करा दिया ओपन, वो भी आगे से तेज थे, स्ट्राइक नहीं ली उन्होंने, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रहेंगे, मैं चेक करूँ आज इन्होंने ओपन क्यों करवाई है। अच्छा उन्होंने चेक किया, पहला बॉल गया ना जो स्ट्राइक पे था बैटर उसके यहाँ से, तो अंपायर को कहते हैं चंगा नहीं किया तू, आज सानू ओपन करा गया, अंपायर तो अपने होते हैं ना। उसके बाद दूसरा बॉल फिर गया ना यहाँ से, तो उसे कहते हैं मैंने इधर ही आउट दे दे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही आउट दे दे, मुझे आई डोंट वांट टू फेस। ये बोला ना कि लेफ्टी आते हैं तो बस लेफ्टी सब के यार मैंने उठे आउट दे दे तू अंदर जाने। मंडो बलवान ने उन्होंने कहा यार तू उधर जाएंगे तो मैं आउट देगा, कहते उधर जाके तो मैं हो ही जाना, तो अंपायर कहते हैं जी इधर आउट दे। Coming back to this boy, 5 for 57, best ever figures for India in the World Cup history as well. So he's created lot of records and one more game to go. I know. And I then wo post match mein unko sun raha tha main unka. Yeah, I enjoyed his bowling. I do enjoy looking at him, the way he bowls. The jaise misbah ne kaha left hander ko straight away round the wicket, seam, always asking question, drive maroon, back foot pe jaun aur within the stumps khatam hota hai uska ball. Ye badi important cheez hai unki. Aap nahi main bas wo nahi nahi aap lagta hai main keh raha hu char court bend bhi hai unki ball ke upar, you know it shows kitna accurate tha and properly wickets liye bilkul isi maine kaha marte hue koi such aise koi fluke mein nahi haj wicket nahi nahi he set them up he was really ek cheez jo hai bahut important hai wo youngsters ko zarur jo hai na notice karni chahiye एक रविंदर जो न्यूजीलैंड वाले रचिन उनकी चीज ओपन कराई तीन नंबर खिलाया उन्होंने अपनी चीज पे फोकस रखा। मोहम्मद शमी का भी यही है। मोस्टली क्या होता है प्लेइंग इन द एशियन कंडीशंस जहाँ पे बॉल नया बॉल जरा जरूर हिलता है, सेमी न्यू इतना नहीं हिलता, बट उनको अपॉर्चुनिटी मिली सेमी न्यू बॉल पे मिली, बट उन्होंने सिर्फ फोकस रखा कि मैं यहाँ पे बेस्ट क्या कर सकता हूँ, हालांकि वो पूरी दुनिया में लीके भी नहीं खेलते। जब हम बात करते हैं ना कि बैटिंग इनकी आउटस्टैंडिंग है, सो बॉलिंग को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना डिफरेंस इन्होंने डाल दिया, अगर इनका बुरा दिन भी आएगा ना अगर सेमीफाइनल में तो फिर भी ये जीत जाएंगे, क्योंकि इतना फर्क है इनमें और बाकी टीम्स। आज उनकी हमने हाफ सेंचुरी देखी, लेकिन हाफ सेंचुरी अचीव करने के बाद अब वो इस वर्ल्ड कप इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं। टोटल स्कोर किया है 594 रन इन 9 मैचेस। ओके मैं तो कहती हूँ कि इंडिया बिल्कुल ऐसे हो गया ना कि आज उनको दोरी खुशी मिल गई है, 4 चांद लगा दिए हैं, दोरी खुशी मिल गई है। जो टीम है उसने आपकी खुशी को दुबाला कर दिया है, आपकी गली मोहल्ले खानदानों में दावते। मैं ट्वीट पे देख रही थी ट्विटर पे किस तरीके से लोग इस चीज को चेरिश कर रहे हैं, आपका बनता है। आई नो वर्ल्ड कप का जो फाइनल डे है, अभी तो सेमीफाइनल होगा, इंडिया डेंजरस है, इंडिया डेंजरस है, हो सकता है न्यूजीलैंड नहीं, न्यूजीलैंड पहले भी तो नहीं ना जीती, पहले भी तो हरा सकती थी ना,
ठीक है इंडिया जीते। और ये क्लियर नजर आ रहा है कि भाई जहां विराट कोहली होता है, जहां विराट कोहली की कवर ड्राइव होती है और जहां रोहित शर्मा का पुल शॉट होता है और वो भी इंडिया के अंदर, तो आप सोच भी कैसे सकते हैं कि न्यूजीलैंड का चांस भी है। चांस होता तो इंडिया एक ना एक मैच तो हारता। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है सेमीफाइनल्स में वो ये कि विराट कोहली ने जो सेंचुरी की थी, रिमार्केबल सेंचुरी की थी 103 वाली, वो सेंचुरी भी जो थी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी, जब रोहित जो है वो एक रिमार्केबल इनिंग नहीं खेल पाए, शुभमन नहीं खेल पाए, विराट ने खड़े होकर मैच जिताया। अच्छे कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन एक दोस्त ने बड़ी जबरदस्त तहरीर लिखी है और उस वक्त ये तय पाया गया कि परफॉर्मेंस दे पैसे लें, आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिक्रीज हो जाएगा, कमी हो जाएगी, तो फिर जाकर भारत में ट्वीट्स करवाई गई, टीवी चैनल्स पर खबरें चलवाई गई कि खिलाड़ियों को तनख्वाहें नहीं मिली, नॉन इशू को दिमाग नहीं था क्रिकेट की तरफ और दिमाग था सारा इधर। पूरी दुनिया की जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं जितने भी हैं वो 2 साल से वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमने तैयारी बदकिस्मती से वर्ल्ड कप की नहीं की, हमारे मसाइल